गुरुदेव ने कहा था कि 5 तरीके के लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। कौन से? गुरुदेव के लेख को आप पढ़ें तो गुरुदेव ने कहा था कि हम 5 लोगों को जाकर उनको बदलेंगे, विद्वान, धनवान, शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न और भावनाशील। तो मैं कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में विद्वान कौन है, कौन ऐसा है जिसको बहुत अच्छे से ज्ञान की परख, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेकर अच्छे लेखक, अच्छे कवि से लेकर अच्छे रचनाकार, ऐसे जो लोग हैं जो आसपास के क्षेत्र में हैं, उनमें से हर व्यक्ति तक हमें गुरुदेव को पहुंचाने की आवश्यकता है। दूसरा, गुरुदेव ने कहा धनवान, ऐसे लोग जिनके अंदर, जिनके पास भगवान के दिए हुए रिसोर्सेज हैं पर उनके पास ये भावना है कि हम इसको समाज के लिए लगाना चाहते हैं, उन लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनके पास किसी न किसी तरह की शक्ति, चाहे वो पद की शक्ति हो, चाहे वो प्रतिष्ठा की शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक उपस्थिति की शक्ति हो, उस शक्ति का स्मरण करा करके उनको सही जगह पर नियोजित करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनके पास भावना हो। गुरुदेव ने कहा विद्वान, धनवान, शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न और भावनाशील। कुछ नहीं होगा, भावना तो होगी। ऐसे लोगों को ढूंढने की और उन तक गुरुदेव को पहुंचाने की आवश्यकता है। पहले चरण में ढूंढना है, दूसरे चरण में मिलना है। जिनको हम लोगों ने ढूंढा उनसे मिलने के लिए पहुंचे, मिल करके मिशन बताना है, बता करके भाव जगाना है। व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव को गहराई के साथ पहुंचाने की आवश्यकता है। दरवाजे की घंटी से लेकर पूजा घर की घंटी तक हम लोगों को पहुंचना है। पहले दिन जो है ड्राइंग रूम की घंटी बजे और जब अंतिम दिन आए तो उनके साथ हम लोग आरती कर रहे हो, वहां तक हम लोगों को पहुंचने की आवश्यकता है। वो जो देव स्थापना का चित्र है वो उनके पूजा घर के अंदर होना चाहिए। व्यक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है कि पहले चरण में ढूंढें, दूसरे चरण में मिलें, तीसरे चरण में मिशन बताएं, चौथे चरण में भाव जगाएं और पांचवें में उनको ये कहें कि आपको भगवान वामन की तरह से 2 पैर की यात्रा करनी है। पहले में आपके नज़दीक के केंद्र में जाना है। भगवान वामन ने 2 पग में पूरी धरती नाप दी थी, तो आपको पहले पग में तो जो पास का शक्तिपीठ है, प्रज्ञापीठ है, गायत्री चेतना केंद्र है, वहाँ आना है और दूसरे पग में आपको शांति कुंज जाना है। और शांति कुंज आ करके आपको यहाँ पर आना ही नहीं, ये नहीं कि आप सुबह की फ्लाइट से आए और दोपहर से चले गए, आपको आना है, रुकना है यहाँ पर 3 दिन, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखकर समझ करके जाना है और संकल्प को लेकर के जाना है। उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि यदि आप यहाँ पर आए तो इस बात का प्रमाण क्या बनेगा, इस बात का प्रमाण ये बनेगा कि आप अखंड ज्योति की सदस्यता लेकर के आए कि नहीं, आप पाक्षिक की सदस्यता लेकर के आए कि नहीं, आप गुरुदेव के साहित्य को लेकर के आए कि नहीं, आप वहाँ से डाक टिकट लेकर के आए कि नहीं, इन सारी चीज़ों को पूछने की आवश्यकता है। प्रमाण है, आपने ट्रेन का टिकट दिखा दिया, आज के लोग ट्रेन का टिकट दिखाते हैं बाद में कैंसिल कर देते हैं, ट्रेन का टिकट नहीं चाहिए। हमें तो ये प्रमाण चाहिए कि आप शांति कुंज गए और शांति कुंज से लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो आपके पास गुरुदेव का साहित्य था कि नहीं, आपने वहाँ से दीक्षा का सेट लिया कि नहीं। तो हमें दोस्तों उस यात्रा को करने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।